Now we are going to solve question number 3. Question number 3 is solve the following. A is 1673 into 99 minus, ब्रैकेट में लिखा है माइनस 1673. इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीजर को सॉल्व करेंगे. 1673 इंटू 99 माइनस माइनस प्लस 1673 इंटू में यहाँ कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1. अब 1673 आप देख रहे हैं प्लस के दोनों साइड में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम 1673 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से 1673 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर बचता है 99, प्लस की जगह पे प्लस 1673 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचता है 1. अब आप देखिए 1673 और ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग है 99 प्लस 1 यानी 100. ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई. और जब भी हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम नंबर गिवन नंबर में 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा. पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगता है. पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या करेंगे, गिवन नंबर में जितने ज़ीरोज़ हैं वो लगा दीजिए. अगर 10 है तो 1 ज़ीरो लगा दीजिए, 100 है तो 2 ज़ीरो लगा दीजिए, 1000 है तो 3 ज़ीरो लगा दीजिए. इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बी सॉल्व करके बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर बी में हमें गिवन है -70 इंटू -35 इंटू 0 इंटू -63. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक ज़ीरो आ गया है और जैसे ही ज़ीरो का किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें टोटल क्या मिलता है, ज़ीरो. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर क्या होगा, ज़ीरो. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी. सी में हमें गिवन है 40 इंटू -23 प्लस 40 इंटू -70. इस क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं प्लस के दोनों साइड पे 40 कॉमन है तो यहाँ से हम 40 कॉमन लेंगे. 40 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है -23 और यहाँ रिमेनिंग आ रहा है -17, है ना. 40 दोनों प्लस से कॉमन लिया हमने, 40 कॉमन लेने के बाद आगे बच रहा है -23 और प्लस के बाद है -17, तो हमने यहाँ डायरेक्ट प्लस माइनस -17 लिखा है. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. 7 प्लस 3 ज़ीरो, कैरी ऑन 1. 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4. माइनस बिग डिजिट का साइन जो है 23 का माइनस है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे -40. अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हम 40 से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल रहा है 1600 और यहाँ 40 प्लस में है और यहाँ माइनस में है तो हम आंसर लिखेंगे -1600. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 3 का डी में है -20 इंटू 25 इंटू -10. हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 में 10 से तो हमें क्या मिल जाता है, -20 इंटू -250. और -250 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 से तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 5000. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी CW में कंप्लीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ट्रू फॉल्स है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स.